यहाँ राइट में चले गए बस। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। मैम थोड़ा राइट में भी देख। डन। डन रुक रहे नहीं मैम। यहाँ पे देखिए तुम लोग सर 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 यहाँ पे छोटा वाला नहीं ठीक है तुम्हारे पास है ना। रुके रुके रुके। थैंक यू। थैंक यू दोस्तों। मैम एक्सेप्ट थोड़ा खा के लाइट आ रही है बस। अब देखिए मैम यहाँ पे लेफ्ट साइड मैम यहाँ पे सेंटर में बैकड्रॉप पे ले लो ना दीदी वहाँ पर बैकड्रॉप दीदी भाई दीदी आगे का सीधा क्या पड़ता सेंटर आगे पीछे वाला
लुक सेंटर मैम साथ में या थैंक यू सो सबसे पहले मैं कुछ अराउंड करना चाहूंगा आपकी इजाजत से ओके तो जिन्होंने बॉलीवुड की दुनिया में अपना नाम बहुत ज्यादा मेहनत और लगन से बढ़ाया है और जिनके टैलेंट ने सभी को आगे बढ़ाया है उनके बारे में क्या ही कहें 1996 खामोशी मूवी से उनकी शुरुआत हुई थी और आगे बढ़कर उनकी पहली इंडिपेंडेंट मूवी राम गोपाल वर्मा जी के साथ ही मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूं और उस दिन से नाच एक विवाह ऐसा भी आग स्पीड गो रक चरित्र भूत सत्या टू बुढ़ा होगा तेरा बाप अक्सर जिसम तू आशिक बनाया आपने हाउ कैन वी फॉरगेट दैट एज टीनेजर्स डोली की डोली एंड आई ऑल्सो रिमेंबर दिस जिसके बीच पर सॉन्ग के और स्टेप्स पर सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड नाचा था और ट्रेंड बना था सबसे पहले प्रेम रतन धन पायो वजह तुम हो ट्यूबलाइट ओके आई माइट लूज माई ब्रेथ बट द लिस्ट माइट गो ऑन सो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट और ऐसा लगता है कि मैम अब लिस्ट तो खत्म होने से रही तो शो को आगे बढ़ाते हैं आई वुड लाइक यू टू स्पीक अ फ्यू वर्ड्स मैम हाय गुड इवनिंग एवरीवन एंड थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ आने का डेजी थैंक यू वेरी मच आई लव यू मैम श्रावणी मैम थैंक यू माई फर्स्ट डायरेक्टर जब मैं कुजावर पर बनी थी पहले डायरेक्टर है मैम ह्यूज रिस्पेक्ट एंड डेजी थैंक यू सो मच आई रियली अप्रिशिएट एंड तेजस फैमिली आई एम मिसिंग माई फैमिली माई टीम इज हियर and especially media thank you so much for removing time and coming over here and yahan par actually BU ki announcement ke alawa bhi meri ek announcement karni thi aap sabne dekha hoga ke jise main kehti hu ke reality and reality ye ek meri aisi journey hai jo mujhse aur meri behan se shuru hui thi meri ye kahani और आज मेरे पास बहुत सारी कहानियाँ हैं कहने के लिए आई एम रियली ग्लैड दैट आई डिड दिस लॉकडाउन में बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया और इसी लॉकडाउन ने मुझे एक ऐसे रास्ते पर लेकर आया जहाँ पे आज मैं खड़ी हूँ तो मुझे बहुत ही खुशी महसूस होती है और बहुत प्राउड फील होता है कि मैंने ये किया और कई बार कुछ लोगों से जब मुलाकात हुई तो ऐसा लगा कि मैंने ये लेट कर दिया यू नो आज जब मैं आपके सामने यहाँ खड़ी हूँ मेरी फैमिली बढ़ते बढ़ते यू नो डांसर्स की फैमिली जो बढ़ते बढ़ते 380 एंड प्लस डांसर्स ही हैं ऑन बोर्ड और ये वो लोग हैं जिनको किसी ने कभी टच करने की कोशिश नहीं की थी आई एम ग्लैड दैट गॉड चोज मी टू डू दिस ये ऐसे डांसर्स हैं जिनके पास अगर आज वो खाना खाए तो कल के लिए वो सोच भी नहीं सकते कि कैसे होगा लेकिन उनके पास एक चीज़ है वो है डांस टैलेंट क्योंकि खुदा भी जब चैलेंज देता है तो वो घर देख कर नहीं देता यू नो तो मैंने यही देखा है और मेरी इस टीम ने मेरी वॉरियर टीम है हमने ये एक सर्वे की तरह शुरू किया और मैंने सिर्फ 3 लोगों के साथ ये काम शुरू किया था December 8th को और आज मेरे पास माशाल्लाह बड़ी टीम है और आज का ये द होल थिंग यू सी दिस इवेंट इज ऑल अबाउट दिस एंड थैंक यू तेजल शी इज़ द वन हु केम फॉरवर्ड सबसे पहले और जिसने ये कहा कि ये इतना अच्छा इनिशिएटिव है क्यों ना हम इसमें भी साथ काम करें और मेरी टीम की ये जर्नी बहुत ही खूबसूरत जर्नी है तो उससे उस जर्नी तक ले जाने से पहले वी वुड लाइक यू टू
फर्स्ट लुक एट बीयू, जो ये बीयू हमारे जो हॉल है बहुत खूबसूरत है, बहुत पहले भी बहुत फेमस बना रहा काफ़ी वक्त, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस बीयू की इस लेगेसी को मैं इंशाल्लाह आगे बढ़ाऊँ। तो प्लीज़ आप मीडिया को दिखाइए बीयू का ये। मैं बहुत छोटी सी लाइन में एक चीज़ बताना चाहूँगी कि बीयू को मैंने क्यों सोचा कि मुझे जुड़ जाना है बीयू से। जब तेजल ने मुझे पूछा, तेजल ने मुझे एक चीज़ बताई कि बीयू का मतलब, उन्होंने बीयू नाम क्यों रखा था, बीयू का जब मतलब बताया तो मैं बहुत टच्ड हो गई, और मुझे लगा कि बीयू में बहुत सारी इस ब्रांड के अंडर में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो आपको अपना आप सामने रखने की यू नो सलाहियत देता है। आपको बी यू, जस्ट बी यू, व्हाट यू आर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। और आप जब अपने आप की खोज करने निकलते हो तो महसूस होता है कि आपका अपना आप बहुत अच्छा है। तो बी यू सेज दैट एंड अंडर बी यू वी आर गोइंग टू डू क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स, आगे फ्यूचर में आपको पता चलेगा। देन आई कम बैक टू रियालिटी एंड रियालिटी, द प्रोजेक्ट विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। ये बहुत इमोशनल जर्नी रही है डिसम्बर से अभी तक की मेरी, और आज भी जो मुझे सपोर्ट करने एक्टर्स वगैरह आ रहे हैं, दे आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट, एंड डेजी इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, एंड या मामा गाइज, मेरी एक्चुअली मेरी ये जर्नी मेरी नहीं है, मेरी मम्मी की है। मेरी मम्मी की जिंदगी को आगे बढ़ाते हुए मैंने अपनी जिंदगी में डाला और मैं यहाँ तक पहुंची। एंड माय मम्मी प्लेज अ बिग बिग रोल इन एवरीथिंग आई डू। सो जो ये रियलिटी रियलिटी की जो जर्नी है, जब हमने ये कॉन्सेप्ट बनाया, ये कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक है। हम अब हमारी टीम जो है वो डोर टू डोर जाकर खुद दरवाजे पे दस्तक दे के लोगों के दरवाजे खुलवाकर पूछती है कि क्या आपके पास टैलेंट है, या आपसे चार घर बाद में या आपके इलाके में कोई टैलेंट है हमें बताइए, हम उनको रेस्क्यू करने आए। मेरा ये ख्याल इसलिए आया था कि जब भी मैंने देखा है कई डांसरों को मुझे पर्सनल डीएम करते हैं कि मैम हम बहुत अच्छे डांसर हैं लेकिन हमारे पास रिहर्सल हॉल तक जाने के पैसे नहीं होते, या हमारे पास फोन नहीं है, या घर में टीवी नहीं है। तो ये चीज़ें मेरे दिमाग में हमेशा चल रही थी कि क्या व्हाट इफ दे हैव टैलेंट, तो हम इस काबिल है तो उन तक क्यों ना पहुंचे। सो इसलिए ये मिशन बनाया गया कि हम उस तक खुद पहुंचे। आगे चल के ये रियलिटी डांस शो होगा, रियल बेस्ड है, सारा कुछ हम बाहर करेंगे, उनके इलाके में करेंगे, स्ट्रीट पे करेंगे, गलियों में करेंगे। उनको ऐसी चीज से अवार्ड दिया जाएगा जिससे वो जिंदगी भर उनके काम आ सके। आगे चल के हम रिवील करेंगे स्लोली स्लोली। और मैं चाहती हूँ कि आप सब हमारी मेरी इस टीम की इस जर्नी को प्लीज देखिए एक बार। दिस इज बीइंग रियली इमोशनल फॉर मी। बहुत ज्यादा कभी कभी मैं इमोशनल हो जाती थी जब मैं लोगों की कहानी सुनती थी। मेरी ये टीम, आई एम सो प्राउड ऑफ देम, दे स्टार्टेड गोइंग ऑन फील्ड फ्रॉम दिसंबर 10 and 12, और अब मैंने सोचा था फिर के जब इतने लोग आ गए हमारे साथ, हमारी छत ने हमारे साथ, तो मैंने खुद सोचा कि क्यों ना मैं खुद उन गलियों में जाकर देखूं, मैं क्यों नहीं जाऊंगी, टीम को भी इससे हिम्मत मिलेगी। और फिर मैंने सोचा कि हर कोई हमेशा जो बहुत अच्छा डांसर होता है, जिसकी पोजीशन आगे आ जाती है, उसके घर जाता है। हम पहले ही ऐसी कुछ कहानियों को चुनें जिनकी कहानियाँ और लोगों को इंस्पायर करें तो बहुत अच्छा होगा। इसलिए मैंने पहले ही जाकर उनके घर में 2-3 लोगों के घर में सिलेक्ट करके गई, ये बच्ची जो है वो इंजर्ड है लेकिन अगर आप उसका डांस देख लोगे तो आप कहोगे कि टैलेंट सबसे बड़ी चीज़ होती है। शी इज़ जस्ट 14-15 एंड टेकिंग केयर ऑफ द एंटायर फैमिली, एंड शी इज ऑल्सो टीचिंग किड्स, रोड पे जो बच्चे होते हैं उनको लेकर वो डांस सिखाती है। तो ऐसी कहानियाँ हैं कहने के लिए जिनके लिए मैं निकल पड़ी हूँ अपनी टीम के साथ इस सफ़र पर। और मैं चाहूँगी प्लीज़ आप लोग मेरी टीम से मिलिए। कम मैं पूरी XKDC टीम की तरफ से थैंक यू सो मच
शबीना खान एंड उनके पूरे परिवार को और तेजल मैम और बाकी जितने भी लोग हमसे जुड़े उनको, उनसे हम लोग को इतनी प्रतिमा मिली और इतने खुश नसीब हम लोग अपने आप को सोचते हैं कि हम लोग इतने अच्छे जर्नी में उनके साथ पार्ट बने। तो मैम के लिए एक ही बोलना चाहूँगा, उन तक ना पहुँच पाया कोई कभी ना, उन तक ना पहुँच पाया कोई कभी ना, जहाँ पहुँच पाई टीम शबीना। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू वंस अगेन। हिप 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 थैंक यू सो मच, आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच। Thank you so much everyone, thank you so much everyone. आपके लिए मैं भी कुछ कहना चाहूंगा, असली कलाकार वो नहीं होता जो अपने कला का प्रदर्शन करे, असली कलाकार वो नहीं होता जो बस अपनी कला का प्रदर्शन करे, पर असली कलाकार वो होता है जो दूसरों के कल को आकार देता है। सो मैम वी आर रियली ब्लेस्ड, आई वुड रिक्वेस्ट डीजी मैम टू प्लीज स्टेप ऑन स्टेज एंड प्रेजेंट योर थॉट्स, हाउ डू यू फील अबाउट द होल थिंग। Good evening everybody. First of all, thank you for being here. Secondly, thank you for inviting me for this amazing journey that you are setting your course on. Thirdly, ये नहीं है कि क्योंकि मैं एक्टर हूँ और शबीना कोरियोग्राफर है, हाँ ठीक है हमने काम किया है तो हम सपोर्ट के लिए आए। वी गो बैक ईयर्स, आज डांस के अंदर अगर मुझे कुछ आता है तो ये बॉस होते हैं, पर जो असली जो मार के सिखाने वाले होते हैं ना वो असिस्टेंट्स होते हैं, और ये वो थी जो मैं डांसर थी। Was the strongest pillar, and she is the strongest pillar of her family. So am I, and I guess that is the way that we have connected. And जैसे talent की बात करते हैं, सबके पास होती है, सबकी talent अलग अलग होती है। एक इंसान चाहिए खाली वो हाथ बढ़ाने वाला, और वो हाथ इन्होंने बढ़ाया। बहुत सारे unfortunate लोग हैं जिनके पास टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है पर कोई हाथ थामने वाला नहीं है। सो आई गेस इसके आगे कुछ बोलने के लिए है ही नहीं, एंड आई नो दैट आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू बोथ ऑफ यू फॉर कंसीडरिंग मी अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग जर्नी एंड कमिंग टू बी यू। बी जो एक शब्द होता है ना, उसके आगे का क्या सिलेक्ट करना है वो आपको सिलेक्ट करना है। बी करेजियस, be you, be not, whatever it is you who chooses, but be is something that stays with you all the time. Since we have gone through the nostalgia, I would request Shabeena ma'am to do one step with these, you know, if it's possible. Please, please. Okay, one. Any, ma'am, please. Ma'am's all set already. Okay. Now, 1, 2, 3. Woo!
फिनिश हो गया। Let's have a round of applause, come on! एक और बहुत मेरे दिल से करीब इंसान है, आई वुड रियली लाइक मैम प्लीज कम ऑन स्टेज, माय फर्स्ट डायरेक्टर। जब मुझे कुछ नहीं आता था मैम ने मुझे मुझसे कहा कि तुम सिर्फ डांस करो, एंड आई मिस दादा टुडे एंड जो बिकॉज आई फील लाइक अ मदर मोर देन अ डायरेक्टर। शबीना Shabina's journey has been very close to me. She was assisting when I was doing Silsila Ghar. And as Daisy said, one of the most efficient assistants who gave me, it was my first Hindi film with Indian Sitki. And I was very nervous because so many dancers used to come and tell me, Ho jayega ma'am, tension mat lena. So when I did Pehchan, obvious choice was to get Shabina on board. And this child was amazing. I have no words to tell. Somewhere I realized, because I have got my middle class values intact, and my children are actors, but I tried to bite that in them, which I found a lot in Shabina. She was very grounded, and her approach to work, the passion that she had for work, was not just kar dete, ho jayega. It was not that. If she would see in my eyes also that I was not happy, she used to come and ask me, what's the problem? Which I would not find in others. So I used to always see that this child had it in her. And I met her mother yesterday, she's in the same society, so I was telling her. He had worked with all the choreographers in the films, which were the films that I've done. But I said, this child will go a long way because she's human and she's grounded. So these are the two qualities, I feel, which help you to excel in this field because you're working along with people. But besides her work, to be associated with a big task, it's a task of society. Today, they are only criticizing, they are only discussing. But nobody steps out of their house. It's easy to have a cup of coffee or tea in your hand and start discussing this is happening in the country, that is happening, we should do this. But nobody ventures out. And these two young girls, may I say that because of my age, have ventured to do that. So that makes me feel so very proud. And what women's power are we talking about? Power is there everywhere. They're building society, they're building homes. All these children that they'll be getting out, they're going to be homemakers. And I hope by God's grace that this spreads like fire. And today the world needs a lot of positivity. We need to see dreams. Because people have stopped dreaming, so no success they are seeing. Because once you don't dream, you can't see success also. So I'm so thankful to the Lord that He's chosen such a noble soul for such a big task. And artist, congratulations to you that you're associated. May God bless them and may this initiative take a big turn and take the nation by storm. Thank you so much. Very much. Artist, congratulations to you, ma'am. Your daughter has imbibed all the right qualities that you have taught her. Thank you so much. And in this journey, this is not about me. We've been talking about me a lot, everybody. Thank you so much. Thank you, everyone. And this is about BU and reality in reality. So there is a connection between BU and reality. This Daisy said it so well. B ke aage aap kuch bhi laga sakte ho. What you want to be, that's BU. That's where I came into BU, that okay, together, because she has big dreams, her thoughts are really noble and nice, and reality and reality happened under BU. Aaj ki ye press conference ka maksad yehi tha ke zyada tar logo tak ye baat pahunche, aap logo jo isko pahunchaoge, aur ki ek hi announcement nahi hai, we have a big news coming up for reality and reality. We have some really and people want to touch and they want to come forward. And we will, why I'm not doing all these, because main chahti hu ki ye bahut seedha rahe har cheez, we are reaching out to people on our own, we're talking to them, khud baat kar rahe hain, khud audition le rahe hain, khud unke audition ke liye bhi unko jahan bhi le jayenge hum khud le jayenge. To ye jitna bhi, kyunki iska naam hi reality in reality hai, इसलिए मैं इसको जितना रियल रख सकती हूँ मैं रखने की कोशिश कर रही हूँ.
लेकिन बाकी लोगों तक जहाँ तक बात नहीं पहुँची वो आप लोग पहुँचाओगे. और थैंक यू फॉर कमिंग. और एक और थैंक यू मैं अपने हस्बैंड को बोल दूँ, मिस्टर अंसारी, थैंक्स फॉर बीइंग इन द बैकग्राउंड ऑलवेज. And now I request the media photographers to come forward for the photo OP along with everyone. And along with that, Janta Janardhan, say, kuch sawal hai aapke, to aap pooch sakte hain. You can feel free. Please, I request all three of you to get seated. This ma'am. Ma'am, please, ma'am. Okay, we have one more AV. Ek minute, na, main bol deti. So, because I've been working into industry from a long, long time, मतलब बड़ी हुई मैं इसी इंडस्ट्री में, तो बहुत सारे लोग हैं जो विश करना चाह रहे थे जो अवेलेबल नहीं थे, या कोविड की वजह से भी हमने रिस्ट्रिक्ट किया था हर चीज़ों को. तो कुछ लोगों ने अपनी शुभकामनाएं भेजी है, प्लीज़ आप लोग देखिएगा. सबसे पहले सबीना कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो आपको. A huge shout out to Shabina ma'am. सबसे पहले शबीना मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी. Hey Shabina, congratulations for this noble initiative. Hi Shabina, क्या बात है, कमाल करती हो आप. I've seen your journey and I definitely know how you can relate to this idea of your project. I've seen you crossing hurdles and grow into a strong boss lady who's now capable of being a helping hand and a godmother to thousands of capable talents out there. Being said that, Mumbai is a city of dreams. I feel so proud to see you become the medium through which people can fulfill their dreams. All my prayers and best wishes to you for making a great move in the dance fraternity. And I can't wait to see the amazing dancers rocking the floor and making it big in their lives. You are just not providing them one opportunity, but you are gifting them a new life. So God bless you and all my best wishes. And whenever you want me there, I will be there standing beside you. You know, जिंदगी में कामयाब होने के लिए ना दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं. एक टैलेंट होता है और एक होती है अपॉर्चुनिटी. अक्सर क्या होता है, बहुत सारे लोग में वो टैलेंट होता है लेकिन वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, और उस अपॉर्चुनिटी ना मिलने की वजह से काफी लोग मायूस हो जाते हैं और दुनिया उनका टैलेंट देख नहीं पाती है. सबीना जो कर रही है वो सेकेंड हाफ जो है वो अपॉर्चुनिटी वो आपको ला के देगी. लोग अक्सर दर बदर भटकते हैं उस मौके की तलाश में, उस अपॉर्चुनिटी के लिए. सबीना वो अपॉर्चुनिटी आपके घर तक ला रही है. आई मीन इससे बड़ी बात नहीं हो सकती, और एक टैलेंट के लिए इससे ज्यादा आसान कुछ नहीं हो सकता कि आपके सामने प्लेट पे एक मौका आया है, बस आपको अपना टैलेंट दिखाना है. सबीना थैंक यू वेरी मच ऑन बिहाफ ऑल द डांसर्स, ऑल द पीपल हु डिजर्व a platform, and from someone like me, who's also a dancer and worked his way up. Thank you, Sabina. India एक ऐसी country है जिसके कोने-कोने में talent छुपा हुआ है, और कई बार ये talent दुनिया के सामने नहीं आ पाता क्योंकि opportunity नहीं मिलती. And Shabina, आप ये opportunity इन सारे talented लोगों को दे रही हैं, talented dancers को दे रही हैं कि वो अपना talent दुनिया के सामने रख सके. I think you are doing an amazing job. बहुत ही नेक काम कर रही हैं, बहुत ही नोबल काम कर रही हैं, क्योंकि टैलेंट के साथ साथ अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत ज़रूरी होता है. So congratulations Shabina and all the very best for this noble initiative of yours. Lots of love to you. ये बहुत ही बड़ी कोरियोग्राफर हैं और मेरी टीचर हैं जिन्होंने मुझे नाचना सिखाया. वो एक बिल्कुल इनिशिएटिव. आपने ये जो स्टेप लिया है, आई गेस इट्स अबाउट टाइम के लोग यू नो एक दूसरे का टैलेंट रिकॉग्नाइज करें. एंड दिस इज अ वेरी वेरी नोबल स्टेप यू आर टेकिंग, एंड आई फील सो ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी विथ यू. दैट्स बिकॉज आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ कि मेरे लाइफ से ये बहुत ज़्यादा रिलेट करता है. नाउ गाइस, कमिंग टू द मेन टॉपिक, ये एक डांस इवेंट है और बहुत ही ज़्यादा यूनिक डांस इवेंट है जिसका नाम है रियलिटी इन रियलिटी. जैसे हम सभी जानते हैं कि हम सबके पास कोई ना कोई टैलेंट होता है, बट बहुत कम लोग हैं जिन्हें वो एक अपॉर्चुनिटी मिलती है. तो ये जो शो है, बेसिकली शबीना और उनकी टीम ने हर
वो इंसान के घर पे जाके नॉक किया है और वो टैलेंटेड इंसान को घर से बाहर निकाल कर ले आई है ताकि हमारी दुनिया उनका टैलेंट देख सके. सो बेसिकली दे आर वेरी टैलेंटेड बट उन्हें मौका नहीं मिला कभी. सो दिस इज समथिंग दैट आई एम सुपर 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 एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ बिकॉज मेरी लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है. तो आई गेस देर आर सो मेनी इमोशंस कनेक्टेड टू दिस पर्टिकुलर इवेंट एंड आई एम सो थैंकफुल टू यू शबीना के आपने मुझे कंसिडर किया ये इवेंट में पार्ट लेने के लिए. सो थैंक यू सो मच एंड all the very best because this is definitely something that everybody should look up to and yeah all the very best to the amazing talents that are going to be a part of this amazing and unique dance event called Reality in Reality. That's a beautiful initiative, so big congratulations for that. Normally what happens is people have the talent but they don't get the opportunity, so thank you for giving them an opportunity to showcase their talents. And this is a great initiative again. Wish you and your team a very, very I must say aapka ye jo initiative hai jisme you making sure ki jo bhi talent hai wo darwaze ke peeche na rahe, isliye aap log personally jaake dastak deke talent ko pooch rahe hain, unhone itna bada platform de rahe hain aage aane ka. And I'm really really happy and I hope zyada se zyada log aapko dekhen, aapko follow karein और आपसे बात सीखे. एंड मैं आपको तहे दिल से थैंक यू देना चाहूँगा कि आप जैसे लोग हैं जो मेक श्योर कर रहे हैं कि जिन लोगों में टैलेंट है वो पीछे ना रह जाए और आगे आए. थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द लक फॉर योर दिस एंडेवर. टीजल, शबीना एंड डेजी, kudos to this women power. Exactly, this initiative itself is quite it's great and quite you know it's very appealing itself. So mera sawal ye hai ki jab ye concept aapke dimag mein jo aaya hai, jo aap ghar ghar jayenge har darwaze pe knock karenge aur talent ko wahan se nikal ke layenge, exactly Hollywood mein is tarah ka concept to dekha gaya hai. I think yeah wahan pe celebrities jaise wahan ke choreographers ya celebrities ki baat karein, J-Lo wagera, unhone is tarah ke steps kiye hain. तो इंडिया में जो आपने जो ये जो आप कॉन्सेप्ट लेके आए हैं ये एग्जैक्टली आपके जहन में पहले कब आया या किस तरह से आपने ये इनिशिएटिव किया है? एक्चुअली अगर ये हॉलीवुड में है तो मैंने देखा नहीं है. जावेद को ज़्यादा पता है हॉलीवुड के बारे में मैं हाजिर. सो दिमाग में इसलिए आया कि हमेशा से मैं कुछ ऐसा करना चाहती थी, जब मैं असिस्टेंट थी तब से मैं ऐसा करना चाहती थी कि मेरी वजह से कुछ जिंदगियां बने, कोई कहानियां आगे बढ़े. क्योंकि होता यही है जैसे डेजी ने कहा और बाकी इतने सारे एक्टर्स ने कहा कि एक टैलेंट सबके पास होता है, हाथ किसी के पास. मुझे अभी भी लगता है कि अगर मेरे पास वो हाथ होता तो मैं शायद 5 साल या 7 साल पहले कहीं और पहुँच चुकी हूँ जहाँ मैं आज हूँ. शायद मुझे लगता है मैं लेट हो गई क्योंकि मेरे पास हाथ नहीं था लेकिन हिम्मत थी, टैलेंट था और मेरी अम्मी की दुआएं थी, मेरी फैमिली का साथ. तो मुझे लगा कि ये ख्याल मुझे हमेशा से आता रहता था. तो मुझे लगा व्हाई नॉट लुक फॉर समबडी लाइक दैट. सी ये ख्याल तभी आएगा जब आपने उस जिंदगी को जिया हो, यू नो. तो मैंने जिया है तो मुझे लगा कि हमेशा से कुछ करना चाहती थी लॉकडाउन में इतना वक्त. तो अपार्ट फ्रॉम माई राइट ऑल्सो राइटिंग आई थॉट अबाउट दिस व्हाई नॉट डू समथिंग. माय ब्रदर राहिल एंड शर्जी ऑल वर थिंकिंग. तो मुझे लगा कि जिंदगी किसी की बनाना हो तो हाथ देना जरूरी है, और ऐसे लोगों को, क्योंकि मुझे बहुत सारे डीएम आते थे, अभी भी आते हैं कि मैम बहुत अच्छा डांसर हूँ मैं, क्लिप भेज देते हैं लेकिन हम ऑडिशन तक नहीं पहुँचते. ऑडिशन तक पहुँचते तो कोई और रीजन की वजह से उनको कामयाब होने के बाद भी उनको लिया नहीं जाता. वेरियस रीजन, आई डोंट, आई एम नॉट गोइंग टू से टॉक अबाउट रीजन. तो मुझे लगा कि व्हाई नॉट इवन मोर उनको दिया जाए, कि वो टिकट का पैसा भी उनके पास नहीं है, फोन भी नहीं है, टीवी भी नहीं है, बाजू वाले का टीवी देख रहे हैं, किसी और का फोन देख रहे हैं, ऐसे लोग हैं. लाइक आई मेट अ गाय, कचरा चुनता है बच्चा बट वो बहुत अच्छा डांस करता है. तो कला की तो कोई, कला देते वक्त ऊपर वाले ने सोचा नहीं कहा दे. तो दैट्स व्हाई आई थॉट कि ऐसा कुछ किया जाए कि उनका एक रुपया खर्च ना हो लेकिन उनके टैलेंट को सराहा जाए. और तब जाके मैंने एक टीम बनाई एंड देन वी रीच आउट टू देम.
Daisy, being a fabulous actor and a stunning dance performer, how much involved are you with this initiative and what's your take on this? How much involved are you with this initiative? I think I've already said enough right now that it relates to my life. Like I come from a very humble background. I don't come from somebody who's, you know, just ki family is very well to do or something like that. But ek talent thi, kisi ne wo talent ko recognize kiya, mujhe wo haath diya, mujhe wo support diya. That is the reason why I reached where I am today. और मेरा ऐसा मानना है कि आपके अगर आप केपेबल हो किसी को हाथ बढ़ाने के लिए तो डेफिनेटली करो, क्योंकि आज भगवान ने आपको एक मुकाम पर लाया है, जो आपके साथ हुआ है वही आप दूसरों के लिए करो। जानना चाहेंगे किस तरह का रहेगा, जैसे कि हमने बूगी बूगी पहले देखा था, वहां पर भी लोगों की टीम थी जो सर्च फॉर टैलेंट, आप यहाँ पर पर्सनली जा रहे हो, दैट इज वन थिंग। एंड वेयर ये कौन सा प्लेटफॉर्म रहेगा, कहाँ पर लेके ना आप दिखाओगे, और व्हाट ऑल सेलिब्रिटीज आर आल्सो गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस? सो देयर आर लॉट्स ऑफ जजेस। अभी अगर शो को इंटरेस्टिंग बनाना है, वेयर यू वांट लाइक द ऑडियंस टू वॉच, लाइक तो वहाँ पर जैसे जजेस होते हैं, सेलिब्रिटी जजेस, तो यहाँ पर कुछ फॉर्मेट के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। सी फॉर्मेट ये है कि ये हम घर घर जाके लोगों को लेकर आते हैं। एनी डांस फॉर्म यू नो, यू नीड टू नो डांस, दैट्स इम्पॉर्टेंट। और हम उन्हें लाते हैं, उनके साथ हमारा फर्स्ट राउंड होगा। इसमें जो हमारा ऑडिशन के बाद जो होगा सिलेक्ट, हमने कुछ मुंबई के स्लम्स को सिलेक्ट किया है। अब मुंबई के स्लम का अगर आप देखोगे बहुत बड़ा है एरिया, यू नो, तो हमने सारे एरियाज को सिलेक्ट किया है और 5 से 6 एरिया के बीच में हम एक कॉम्पिटिशन करेंगे। और उस कंपटीशन में जो जीतेगा उन्हें मैं रिवील नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वी हैव बिग न्यूज कमिंग अप रिगार्डिंग दिस। लेकिन जो 5 एरिया के बीच में जो बंदे 3 चुने जाएंगे जो जीतेंगे, उनको हम ऐसे एक प्लेटफॉर्म देने वाले हैं जो उनकी ज़िंदगी को चलाने के लिए पूरा हो जाएगा। उन्हें ट्रॉफी देके हम छोड़ने वाले नहीं हैं। मेरा आइडिया ये है कि उनकी ज़िंदगी गुजर बसर चले और वो भी ऐसा काम करें जो हमने शुरू किया है, तो हम उन्हें वो देने वाले हैं। इसी तरह से जो 5-5 एरिया करके हमें जितने एरिया होंगे, उन सब 5-5 एरिया के बीच में जो 3-3 विनर होंगे, उन्हें हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म देंगे जो उनकी ज़िंदगी चलाने और उनके साथ और भी बहुत लोगों का भला होगा। और इसके बाद इन जीते हुए 3-3 लोगों के बीच में एक फाइनल कॉम्पिटिशन होगा और उसका रिवॉर्ड भी बहुत बड़ा होगा, वो मैं भी रिवील नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि यस वी हैव बिग न्यूज़ कमिंग अप। जैसे मैंने पहले बताया, बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है, दे ऑल लव मी, there are stars who've seen me growing in life, you know, I started very young, so everybody want to be part of it. I'm so lucky that main pehle khud akele karna chahti thi ki main kitna kar sakti hu, and that's what we did it, you know, and Tejal came forward and we have couple of things lined up and lots of people are coming forward, but ek vaada hai mera ke kuch bhi ho jaye ise hum digital platform pe abhi tak lekar aayenge, lekin aage jaake plan kuch aur bhi hai. We will take it forward the way, you know, we will get opportunity. We have people's coming. इसको जितना real रख सकते हैं, वो मेरा वादा है, मैं उसको उतना real रखूँगा, ताकि talent अपने मुकाम तक पहुँच जाए। Digital, I need to say, it will be on YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, all over, and we have PU, Instagram, we have reality, and we are going to showcase over there right now. For now, when I speak to you. उसके बाद हमारे plans हैं और बड़े, that we will reveal later. जब मेरी तरफ से एक last question है, और एक जैसे talent को खोजते वक्त emotional moments तो बहुत आए होंगे, but any one thing like if you remember like was a really hard talent और आपको बहुत तो उसके लिए शायद कष्ट भी हुआ होगा ऐसा, anything you would like to share? जो मैंने AV दिखाया था, जो लड़की थी उसमें, you know, मतलब जब मेरी टीम ने उनकी कहानी सुनाई तो मैं सुनकर रो पड़ी और मुझे लगा कि मुझे इस लड़की से मिलना चाहिए। वो लड़की छोटी थी जब वो गिर गई थी और उसका ये पूरा हिस्सा जो है वो अलग हो गया था। मैंने जब उसका डांस देखा तो मुझे यकीन नहीं आया, देन डांस दिखाने के बाद माय टीम टोल्ड मी दैट शी हैज दिस प्रॉब्लम। मैंने उसको रात को सोते वक्त कुछ क्लिप लगा के सोना होता है जो 4 घंटे तक दर्द होता है, लेकिन आप अगर उस लड़की का डांस देख रहे होगे तो आप खुशी, इमोशन, सारी चीज़ें एक साथ, इतना परफेक्ट डांस करती है।
और उसके माँ बाप उसका स्पॉन्सर नहीं करते, वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो छोटी मोटी क्लासेस गार्डन में कहीं में चला के अपना घर चलाती है, अपने आप को सिखा रही है, खुद डांस फॉर्म सीख रही है और उसके अलावा भी वो गरीब बच्चों को सिखा रही है। जब मैं उसको मिलने गई तो मुझे लगा मैंने बहुत लेट कर दिया, ये बच्ची सिर्फ 14-15 साल की है, यू नो। ऐसी ऐसी कहानी है, एक कहानी है, एक और दूसरी, ऐसी कई कहानियां हैं। अभी तो मैं सिर्फ 2 लोगों तक पहुंची, टीम कई लोगों तक पहुंची, मैं रह नहीं पाई कि ये शो के पहले ही मैं जाकर मिलकर आई। और ऐसी ऐसी कहानियां हमारे पास है, वीडियो लेकर आते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, उनका डांस देखते हैं, उनकी फैमिली के साथ बैठते हैं, मिलते हैं। मैंने टीम को ये ट्रेन किया है कि आप उनके मेंबर बन जाओ, आप उनको महसूस कराओ कि आप इम्पोर्टेंट हो हमारे लिए, क्योंकि आपके बच्चे के पास टैलेंट है। तो दिस इज बीन अ वेरी इमोशनल जर्नी, एवरी डे वी क्राई टुगेदर टीम और मैं, हम रोज रोए हैं, रोज हंसे हैं और रोज आना हौसला बढ़ा है मेरा। हर दिन, हर दिन मुझे लगा कि थैंक गॉड कि मैंने ये किया, इट्स बीन रियली इमोशनल, बट हिम्मत बहुत आई है, जितने लोगों से मिले उतनी हिम्मत आई। हेलो, हाय। तो मैम मेरा सवाल आपसे है कि जैसे कल्चर डांस हो गया भरतनाट्यम और हिप हॉप हो गया, तो 2021 में या 2020 की भी बात कर दूँ तो 2020 और 2021 में हिप हॉप ज़्यादा चलता है और कल्चर डांस अभी इतना नहीं चलता है, तो क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि हम कल्चर डांस को और इम्पोर्टेंस दें और कल्चर डांस के और लोग आपसे जुड़े, सो दैट वी कैन प्रमोट कल्चर डांस ऑल्सो? आइडिया यही है, बहुत अच्छा सवाल है ये। सी, वक्त के साथ चलना अच्छा होता है। हिप हॉप कंटेम्प्रेरी, ये सारे बैले, ये सारे डांस फॉर्म वेस्टर्न आए हैं, ये आएंगे, रहेंगे, चले जाएंगे, लेकिन जो टिकेगा वो होगा हमारा क्लासिकल, क्योंकि पूरी दुनिया हमसे क्लासिकल डांस सीख कर गई है और अपने अपने डांस में फॉर्म में उसको तब्दील करके पेश किया है। तो मैं यहाँ पर जब मैं ये डांसर्स से मिलती हूँ, मैं उनसे ये नहीं कहती कि मुझे सिर्फ हिप हॉप चाहिए या कोई और, मैं उनसे कहती हूँ आप अपने डांस को भी करिए। हमारा एक सेगमेंट है जहाँ पे मैं वेस्टर्न भी जाने वालों को ये कहने वाली हूँ कि आप इंडियन कर सकते हो, फोक कर सकते हो तो करो, बिकॉज वो एक सेगमेंट डाला है मैंने। मैं चाहती हूँ हमारी सभ्यता रहे, जिंदा कायम रहे, यू नो। मैं बॉलीवुड में भी वो ट्राई करती हूँ कि सारे डांस फॉर्म आते हैं लेकिन हमारा जो है वो नहीं छोड़ना है, वो ब्यूटीफुल डांस है। तो हमारे इस शो में एक पूरा सेगमेंट रखा हुआ है जहाँ पर हम इंडियन क्लासिकल और फोक डांस को अहमियत देते हैं, तो कंटेस्टेंट्स को वो आना भी जरूरी है। गुड इवनिंग एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी हैप्पी टू नो कि आप कथक और भरतनाट्यम को भी बढ़ावा देने वाले, बिकॉज आई एम माई सेल्फ क्लासिकल डांसर एंड आई नो 3 फॉर्म्स ऑफ इंडियन क्लासिकल। मेरा सवाल टीचर जी से है, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि बीयू में मैंने खुद शूट किया एंड आई लव योर स्टूडियो एंड आई वॉन्ट टू नो कि आपको ऐसी क्या क्वालिटी शबीना जी में दिखी जो आपको लगता है बीयू के साथ रेजोनेट करती है बहुत स्ट्रॉन्गली? बीयू ऐसा नाम है जो हर टैलेंट को बाहर निकालना चाहता है फर्स्ट डे से, सो दिस वाज द मेन एम व्हेन आई स्टार्टेड बीयू। मेरा फर्स्ट एम था कि मुझे टैलेंट को बाहर निकालना था, बट शबीना जी ने मुझे वो रास्ता, मेरा साथ दिया और आई कुडंट स्टॉप मायसेल्फ वेयर आई, शी टोल्ड मी एंड गिव टू मी एंड टोल्ड मी सच अमेजिंग जर्नीज व्हिच शी हैज कम थ्रू, एंड इन्होंने मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी भी दी है जहाँ पे मैं यंग टैलेंट को, ऑफ कोर्स मैं नॉट डांसिंग, पीयू में वर्कशॉप्स होते थे, लोग आते थे वहाँ पे, हम सेलेक्ट करते थे, उनको इंस्ट्रक्टर बनाते थे, पर ऐसे ऐसे लोग हैं मेनी फेसेस लाइक दे कैन अफोर्ड टू कम, तो वर्कशॉप में भी यू नो देयर वर नॉट पीपल व्हेन दे यूज्ड टू कम कि मैडम आई मीन दे कुड अफोर्ड टू इवन पे 200, 300, 400, 500 बिकॉज वी वर दैट टाइम ऑफ कोर्स रेडी टू गेट देम इनसाइड, बट मैंने सोचा ऐसे लोग जो इतने अच्छे टैलेंटेड हैं उनको लेके आना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। शबीना जी इज आई थिंक एन एंजल फॉर ऑल दोज टैलेंटेड पीपल एंड
and I and my team and Shabina's team, we are definitely going to make sure that jitne bhi young talent hai India mein, we are definitely going to go pan India for sure. But in Maharashtra, or especially Maharashtra, Mumbai, we are definitely going to make sure that sare young talented people हम डेफिनेटली बाहर की ओर लेके आएंगे और उनको प्लेटफॉर्म 100% देंगे एंड दैट इज व्हाट मेड गेव इज दिस ब्यूटीफुल एजेंसी. थैंक यू मैम. शबीना मैम, ये मेरा क्वेश्चन है कि आप सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र कवर करेंगी कि ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि इंडिया तो बहुत बड़ा है और टैलेंट बहुत खूब है हमारे देश में, तो आप वहाँ पर. और दूसरा क्वेश्चन है कि आप क्या डिफिकल्टीज आपने फेस की इस पूरी जर्नी में जो आपने स्टार्ट की है. बहुत अच्छा सवाल पूछा मैम, थैंक यू सो मच. क्योंकि मैं बताना ही चाह रही थी ये सिर्फ अभी सिर्फ मुंबई लेवल पे शुरू किया, और जब हमने शुरू किया तो कम से कम 15-20 दिन के बाद जैसे टीम जाने लगी, बहुत सारे हमें डीएम आने लगे बाहर से मुंबई के, आउटस्कर्ट्स ऑफ मुंबई, मीरा रोड, नाला सुपारा, यू नो ये अंबरनाथ वगैरह, जो मुझे कई एरिया पता भी नहीं था, वहां से आने लगा कि आप हमारे लिए भी करिए. क्योंकि मैंने अनाउंस किया है हम मुंबई के लिए करेंगे, हम महाराष्ट्र लेवल पे भी जाने वाले हैं बहुत जल्द, बल्कि हम बस फरवरी में अनाउंसमेंट आई थी. महाराष्ट्र के बाद हम स्टेट लेवल जाएंगे और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल, क्योंकि मैंने ये सर्वे किया है कि हर जगह ऐसा टैलेंट है उन्हें निकालने की जरूरत है. और इसके बाद हमारे सीजन्स भी होंगे, बहुत ऐसे बच्चों से मिले जो मुझे गाने भेजते हैं कि मैम बच्चों के लिए भी कुछ करिए, बहुत सारी मम्मीज है जो बहुत अच्छा डांस करती है, दे सेज हमारे लिए भी करिए. तो ये जर्नी के थ्रू मैंने एक्चुअली आप अगर कहेंगे कि ये चीजें बनती चली गई, यू नो एक सर्वे की तरह एक चीज को शुरू किया, लेकिन मुलाकात होती गई, कहानियां बढ़ती गई, लोग मिलते गए, तो चीजें हौसला बढ़ा और हौसले के साथ हमने अपने हाथ बढ़ाना शुरू कर दिए. तो इसलिए इसको हम हर लेवल पे महाराष्ट्र, स्टेट और इंटरनेशनल इंशाल्लाह ले जाएंगे. इसके सीजन्स भी होंगे, सीजन 1, 2, 3 जितने इंशाल्लाह जितने लोगों को जरूरत है हम करेंगे इसको. और डेफिनेटली यू नो डेजी हैव कम फॉरवर्ड एंड और भी वेल विशर्स हैं, दे विल कम फॉरवर्ड एंड वी विल डेफिनेटली मेक दिस अ ह्यूज बिग जर्नी. और जहाँ तक बात करें हमारे तकलीफों की, तो आप सोच सकते हो कि लोग अपने घरों से बाहर निकलना नहीं चाहते, और वहाँ पे ये टीम पूरे अपने मास्क लगाकर, बैग लेकर, कोट, हाथ में ग्लव्स सब करके ये लोग जाते थे. हम हर 2 दिन में एक दिन में एक बार मीटिंग करते थे, और मेरी मीटिंग 4 से 6 से 8 घंटे चलती थी इनको ट्रेन करने की. अगर आप मेरी टीम को देखो तो इसमें एक 17 ईयर का बच्चा भी है, 20 का है, 21 का है, 22 का है, 30, एक मदर है. तो हर ये सिर्फ डांसर लोग नहीं है, ये लोग इसमें सिर्फ 4 लोग हैं जो मेरे असिस्टेंट और मेरे डांसर हैं, बाकी सब बाहर से हैं जिन्हें मैंने इंटरव्यू करके बुलाया. और इंटरव्यू में जो सवाल पूछे गए, अगर मैं आपको बोलूँगी तो आप एक्चुअली समझोगे कि क्या है. मैंने ऐसे ऐसे सवाल पूछे कि क्योंकि ये जर्नी एक इमोशनल जर्नी है, ये हिम्मत वालों की जर्नी है जो हार ना माने, और ये एक पेट के भूख की जर्नी भी है. अगर आपके पेट में भूख जब तक रहेगी, आपकी आग आपको आगे बढ़ाती रहेगी. तो इंटरव्यू के जो सवाल थे वो सारे क्वेश्चन उसी से रिलेट करते थे. और ये जो बैठे हैं मेरे सामने, आई ऑलवेज से आई लव देम, इन लोगों ने, बहुत लोग आए थे इंटरव्यू के लिए, ये सारे चूज हुए, ये वो लोग हैं जिनकी हिम्मत नहीं हारने वालों में से है, फाइटर्स हैं, और जो खुद आगे बढ़ना चाहते हैं और हाथ बढ़ाना चाहते हैं. तो ये यूनिक इंटरव्यू था. हेलो, ऑल द बेस्ट मैम, थैंक यू सो मच. हेलो, माय क्वेश्चन टू डेजी. हेलो, लास्ट क्वेश्चन डेजी. शबीना जी, जस्ट वांट टू गो, हेलो, इट्स ए ग्रेट इनिशिएटिव जो आपने, सो फॉर इट्स अ वेरी गुड जर्नी. लेकिन आपको देखकर और लोग भी इंस्पायर होंगे, अगर वो भी ऐसा करें डिफरेंट टैलेंट को देखें, तो आपको कैसा फील होगा? सॉरी सर, आई डिडंट गेट यू. आपको देखकर और लोग भी आपको फॉलो करेंगे आपके स्टाइल को, घर से लेके आएंगे कलाकारों को, तो अच्छी बात है. तो आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा सर. एक सोसाइटी में चेंज अगर आप से बन रहा है तो इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती. मैं चाहती हूँ, मैंने अपनी टीम को ट्रेन किया हुआ है कि मैं इसलिए आपको ट्रेन कर रही हूँ कि आप छोड़कर नहीं जाना, क्योंकि आपने भी आगे बढ़कर एक और टीम बनानी है, और इस सिलसिले को इंशाल्लाह हमें बरकरार रखना है.
तो इट विल बी अ ग्रेट हमारे हमसे पहले कुछ जो अच्छे लोगों ने कुछ किया है हमें प्लेटफॉर्म दिया है तो आज अगर मैं इस काबिलों के प्लेटफॉर्म बना सकूं इस तरह का हाथ बढ़ा सकूं तो व्हाई नॉट आई विल बी रियली हैप्पी कि अगर और भी लोग ऐसा कुछ करने की कोशिश करें और मैं ना सिर्फ डांसर्स बल्कि हमारे पास कुछ सिंगर्स आए हैं कुछ एक्टर्स भी आए हैं दे ऑल सेंड मी एजेस एंड ऑल एंड इंशाल्लाह वी विल सी व्हाट वी कैन डू फॉर देम Just want to know, I have a couple of questions to you. First thing, how you feel sharing dais with your guru? Sharing what? I said, how you feel sharing dais with your guru, Shabina? Definitely emotional tha. Jab main inko video bhi bhej rahi thi, main literally choke ho rahi thi. Kyunki bahut sare emotions, bahut sare साल बहुत सारी चीज़ें हैं जो शबीना और मैं शेयर करते हैं आई थिंक इट्स मोर देन 12-15 इयर्स का रिलेशन दैट वी हैव हैड तो कभी भी ऐसे फील नहीं हुआ है कि यू नो कि हाँ ठीक है किसी को सपोर्ट करना है तो करना ही नहीं ऐसे नहीं कभी कभी क्या होता है ना कि आपके अंदर एक फीलिंग होती है जिसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते आप खाली उसे महसूस कर सकते एंड दैट इज व्हाट इट इज फॉर मी मेरा अगला सवाल ये है कि रियलिटी इन रियलिटी जो आपका शो है आई रियली अप्रिशिएट दैट इट्स एन ऑल डूइंग ऑल ओवर मुंबई एंड टेकिंग सबर्ब्स एंड ऑल इन रियलिटी हाउ यू विल बी कनेक्टेड हाउ यू विल बी यू नो उनका साथ दोगे विल यू बी गोइंग टू दिस प्लेस टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे शबीना ने कुछ दिन पहले फोन करके उन्होंने मुझे बताया था ये प्रोजेक्ट के बारे में और विदाउट इवन शी टेलिंग मी एनीथिंग आई वाज लाइक मैंने आई थिंक इट वाज मी हु सेड के प्लीज काउंट मी इन आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी बिकॉज़ इट जस्ट टेक्स वन गुड डीड फ्रॉम दैट वन पर्सन एंड द अदर्स जॉइन So I think I am one of the fragments to join to this amazing deed that Shabina is doing to everybody who are unfortunate outside. Thank you. Shabina, हमारे आपके favourite star और शायद वो भी आपको favourite मानते हैं सलमान खान हमारे भाईजान. क्या कहना चाहोगे उनको जब पता चला होगा डेफिनेटली आपने उनके साथ भी शेयर किया होगा एंड आई थिंक सो कि इट माइट बी अ बिग रेवलेशन आल्सो आई थिंक सो बट समथिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लाइक टू से समथिंग अगर सलमान भाई को इस बारे में पता चला हाउ ही रिएक्टेड एंड मे बी अगर आकर वो उनका कुछ एसोसिएशन बताना चाहोगे मैं इतना कहना चाहूंगी कि मैंने उन्हें नहीं बताया अब तक मैंने पहले भी कहा कि ये जर्नी मैंने बिना किसी को बताए खुद अकेले अपने बल पे शुरू की थी इसका एक रीज़न ये था कि मैं अपने आप को भी चेक करना चाहती थी यू नो मैं सीरियसली आई वांटेड टू चेक माय सेल्फ आई वुड हैव गॉन टू एनी टीवी चैनल आई वुड हैव गॉन टू सलमान सर आई वुड हैव गॉन टू एनीबडी जिसके साथ काम किया है मैंने दे मुझे वो सी मैंने जहाँ काम किया मुझे इज्जत बहुत मिली और वो लोग मना नहीं करते लेकिन मैंने नहीं किया ऐसे मैंने ये सोचा कि क्यों ना अपने आप को टटोला जाए अपने आप से अपने साथ अपने आप को लेकर बढ़ा जाए और फिर मैंने टीम बनाया मैंने किसी से नहीं किसी को नहीं बताया डेजी ने कहा कि मैंने कुछ 3-4 दिन पहले ही डेजी को बताया मैंने किसी स्टार की मदद नहीं ली मैंने किसी चैनल की मदद नहीं ली मैंने कुछ नहीं किया अपने बल पर शुरू किया और जो इंसान मेरे साथ आगे आया वो थी तेजन बिकॉज हम बी यू के बारे में बात कर रहे थे बी यू से एसोसिएट होने की बात कर रहे थे एंड देन बी यू के जरिए हमें हम दोनों ने ये शुरू किया तो और मैं बहुत खुश हूँ विद द रिजल्ट यू नो विद द रिजल्ट आई एम सीरियसली हैप्पी अगर मैं किसी को कनेक्ट कर लेती तो शायद ये जो चल कर जाने की जर्नी है वो शॉर्टकट हो जाती यू नो लोग शायद तंबू बांध के वहाँ बुला लेते या बोलते रेसल हॉल में आओ मैं ये नहीं चाहती मैं चाहती थी ये रियल में रियल हो इसलिए हमने इस जर्नी को बिना किसी को बताया पब्लिसिटी भी नहीं की कुछ नहीं बस हम जाते रहे पब्लिसिटी होगी तो अट्रैक्शन बढ़ेगा लोग हमें पहचानेंगे ये भी मेरा आइडिया नहीं था कि लोग हमें पहचाने हम जाए लोग आए फोटो खींचे इसको बिल्कुल रियल रखा गया अब तक क्योंकि जैसे ही स्टार्स आने लगते हैं यू नो आपको बढ़ावा मिलता है चीज़ें और बढ़ती है मैं जानती हूँ बट ये ज़रूरी था इस रियलिटी के प्लेटफॉर्म को मजबूत करने के लिए टीम को मजबूत करने के लिए और अपने आप को मजबूत नाउ फ्रॉम हियर एज डेजी इज हियर शी इज़ गोइंग टू बी पार्ट ऑफ इट इंशाल्लाह एंड वी हैव
फॉर मोर पीपल कमिंग इन. सलमान सर को मैंने नहीं बताया अभी तक, अभी पता चल जाएगा शायद. मैंने अभी गाना भी शूट किया लेकिन मैंने नहीं बताया, फिर देखेंगे आपसे पता चलेगा. हम बाद में आते हैं, आपसे पता चलेगा. Ma'am, by the time you can go forward with the question. I'm so sorry to interrupt you. Yeah, it's okay, thank you. Daisy, my question to you, it's BU, right? So what, and it also says be bold. What is be bold for you? Be confident. What is be confident for you? And be colorful. And which film aapko sabse bold lagi? Film? Film and the scene in the film. As I said that B जो है वो आपका है, उसके आगे आपको जो लगाना है वो आप पे डिपेंड करता है. आपने जितने भी वर्ड्स मुझे पूछे, it's basically projecting the real you to the outside world. So you are bold, yes. You are confident, yes. You are everything that you are. It's just that you need to know. And you have to be confident in everything that you are doing. Thank you. Alright. Are there any more questions? Okay, sir. Please speak a few words. How did you feel about the whole initiative? कैसे लगा आपको पूरी initiative? बहुत ही अच्छी बात है. Thank you very much. आपने इतने गुणी लोगों के साथ मुझे बिठा दिया. थैंक यू मच. कॉम्प्लीमेंट. ये चार लोग क्या कहेंगे बात है मुझे. मतलब चार लोगों की सोचो, चार लोग क्या कहेंगे, चार लोगों के पीछे बैठना भी है. तो आज मेरा सपना जो है पूरा हुआ. एंड उपासना जी आ जाइए, डायरेक्ट आ जाइए. उपासना जी मेरे गुरु भी हैं, उपासना जी हमारे कॉमेडी के गुरु भी हैं, उस्ताद भी हैं. अभी मोबाइल को हटाना पड़ेगा. कॉमेडी के बाप तो कई हुए, चाचा भी कई हुए, ये कॉमेडी की बुआ है. और हमारे कॉमेडी को मिली सबसे प्यारी दुआ है. तो उपासना जी आप आ गई, मैं फिर पूरी. देखो ये मुझसे कम से कम नहीं तो 15-20 साल बड़े हैं. आई एम ओनली 22 ईयर ओल्ड हॉट सेक्सी एंड ग्लैमरस. आपकी उम्र 22 साल है और जब तक 22 साल आपकी उम्र रहेगी आप 22 लोग पे छाई रहेंगे. एंड ये तो शर्मा जी बहुत अच्छा कर दिया आपने. घर घर पे जाकर टैलेंट ढूंढ रहे हैं. मेरे गुरु जरूर बोला. मेरी पत्नी मुझसे कहती है मेरी कोई टैलेंट नहीं है. आप आज से मुझे लेके जाना बोला कि टैलेंट घर घर जाके ढूंढ रही तो उसको यकीन होगा. मेरी मतलब आप जितना प्यार मीन आई डोंट आई एम नोट. हां पॉइंट टू बी नोटेड पर कैमरे में नहीं. ठीक है अकेले में देख लिया. तो मैंने मतलब पासा जी मैंने अपने पत्नी को फिल्म दिखाई रांझला. रांझला अच्छा देखी क्या आपने? धनुष की फिल्म. हल्का दुबला पतला धनुष कम तीर ज्यादा लगता है. तो धनुष की फिल्म रांझला मैंने दिखाई थी. रोमांटिक पत्नी मुझे पत्नी को दिखाई तो खुशी खुशी घर पर कहती है मेरे प्यारे रांझला. मैंने कहा आगे तो बोल बर्तन सारे महाजना. ये हमारा टैलेंट है. आजकल लॉकडाउन में आपने अपना टैलेंट दिखा दिया. सब जितने पुरुष है इस बात को इकरार करेंगे कि वर्क फ्रॉम होम आत्मनिर्भर आपदा में अवसर इसे कहते हैं. हमें पता चल चुका है. अब जब मेरी काम वाली बाई घर पे आई तो मेरी पत्नी ने कहा
तुम्हारी कोई जरूरत नहीं काम वाली भाई, और सुनना, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं काम वाली भाई, हमने खुद का तैयार कर लिया काम वाला भाई। और अभी ये जोक मैं करने वाला हूँ, इसके बाद मैं माइक रूपा साजी को दूंगा। इस जोक से अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कोई लेना देना नहीं है, सुनिएगा। इस जोक से अमेरिका के प्रेसिडेंट और इस प्रेसिडेंट से कोई लेना देना नहीं है। इस वक्त मैंने जो बाइट डन की है उसका नाम कमला है। और ये जो यूएस में सुन रहा है वो पासा सिंह। Guys, please welcome Upasana Ji. Let's have a round of applause. वो इंसान है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत मोहब्बत करती हूँ उपासना जी से। नानक, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच कि शबीना आपने मुझे यहाँ बुलाया। मेरा और शबीना का नाता बहुत पुराना है, ये तब का है जब शबीना एक्ट्रेस थी और हम लोगों ने एक सीरियल इकट्ठे किया था। और ये वैसे तो आप सब जानते ही हैं शबीना को, लेकिन ये एक अच्छी कोरियोग्राफर तो है ही, एक बहुत ही अच्छी इंसान भी है और वो तो उसके कामों से ही पता चलता है कि उसने इतना बड़ा बीड़ा उठाया है, वरना आजकल दुनिया अपनों के लिए भी कुछ नहीं करती। तो ये तो दूसरों के लिए इतना आप कर रहे हो, तो बहुत बहुत बड़ी बात है। शुक्रिया शबीना ये करने के लिए। मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताना चाहूँगी कि मैंने एक फिल्म बनाई और उसमें मेरे बेटे ने काम किया, नानक। मैं पहली बार आप सबको दिखा रही हूँ मेरा बेटा, नहीं तो मैं यही बोलती हूँ कि आई एम 22 ईयर ओल्ड ऑन सेक्सी एंड ग्लैमरस। नानक, हेलो बोलो। ये मेरा बेटा है नानक, तो इसने फिल्म की यारा दिया पौ बारा। मैं शबीना को मैंने बोला, शबीना आप इसका डांस कोरियोग्राफ करेंगी क्या? तो इन्होंने बोला कि उपासना जी ये कहने की बात ही नहीं है। और इन्होंने इतना ज़्यादा प्यार दिखाया, मैंने इनसे पैसे पूछे, वरना आजकल इंडस्ट्री में हम लोग भी जब काम करते हैं या कुछ तो पहले पैसे डिमांड करते हैं। इन्होंने मुझे कहा मुझे एक रुपया नहीं चाहिए, आप ये मुझे बताइएगा कि कहाँ पहुँचना है। तो हमेशा से ही इनका बहुत बड़ा फैन रहा है और बहुत अच्छे सॉन्ग्स किए इन्होंने। और मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि मेरी फर्स्ट डायरेक्टेड फिल्म में शबीना ने गाने कोरियोग्राफी किया। मेरे को बहुत खुशी हुई जब उन्होंने मुझे बताया। और वो तो खैर मुझे पहले ही पता है कि वो बहुत अच्छी इंसान है और ऐसे काम वो करती रहती है। ऐसे और भी बहुत सारे काम है, मैं गिनाने लगूंगी तो शायद बहुत टाइम हो जाएगा। लेकिन इन्होंने जा जा के हर जगह से, मतलब क्या होता है कि हम जैसे लोग जो जीरो से शुरू करते हैं, मैंने भी जीरो से ही शुरू किया, मैं होशियारपुर करके एक जगह से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ से यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। और जब आप अपनी हॉबी को अपना प्रोफेशन बनाते हो तो आप हमेशा उसे इंजॉय करते हो। सो ये जो बच्चे हैं जिनको शबीना ला रही हैं और अच्छे डांसर्स बना रही हैं, और कल को हो सकता है कि वो बहुत बड़े बड़े कोरियोग्राफर भी बने, और डेफिनेटली बनेंगे, जो शबीना के अंदर आ गए हैं वो बहुत अच्छा सिखाएंगी। तो आप लोग बहुत खुशनसीब हो कि आप लोगों को शबीना जैसी टीचर मिली। और जहाँ पे भी मैं ये कहना चाहूँगी आप लोगों को मेरे साथ की जरूरत हो, मैं वहाँ खड़ी रहूँगी आप लोगों के। थैंक यू सो मच। Now I request the media dignitaries or the photographers to come forward for a group picture and we can continue with one-on-one interviews. मैम यहाँ पे
मैम आप भी आइए क्या बोल रहे कैमरा फर्स्ट ऑफ ऑल मैम आपके इस इनिशिएटिव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। जानना चाहेंगे इसके बारे में क्या कुछ आपने इस जर्नी में हासिल तो नहीं अभी हासिल इन द सेंस के एक उम्मीद के साथ शुरू की थी कि ये जो हेल्पिंग हैंड हम देना चाह रहे थे कि लोग आगे बढ़ेंगे। पहले तो ये ख्याल था कि पता नहीं लोग रिएक्ट कैसे करेंगे क्योंकि मैंने कुछ पब्लिसिटी नहीं की थी, बाहर कुछ आया नहीं था। तो पहले मैंने टीम को भेजा कि ऐसे ही जाकर देखो मेरा नाम मत लो। टीम 15 दिन तक बिना तुम्हें नहीं पता ये बिना मेरे नाम के बिना किसी चीज़ के आई हैव नॉट इवन गिवन देम माई जैकेट्स वगैरह ऐसे जाओ। दे वेंट एंड दे केम बैक एंड दे से मैम देयर इज सो मच टैलेंट। दे शोड मी वीडियोज एंड आई वॉज अमेज्ड। एवरी डे मैं अमेज्ड होती थी वीडियोज़ देख के। दे यूज़ टू गो इन द मॉर्निंग 9 इन द मॉर्निंग एंड दे यूज़ टू कम बैक टू मी 6 इन द इवनिंग और 7 इन द इवनिंग एंड दे यूज़ टू शो मी सो मेनी वीडियोज़। तब मैंने सोचा कि क्यों ना इसको सीरियसली आगे बढ़ाया। तब मैंने उनको बताया कि अब मेरा नाम लो। मैंने वीडियो जो भेजा था मैंने वो वीडियो रिलीज़ किया और मैंने बताया कि एक्चुअली मैं कर रही हूँ कि कुछ लोग जानना चाहते थे कौन कर रहा है। और फिर उस तरह की जब मैं वीडियो बनाया तो उसके बाद का रिस्पॉन्स जो था वो आपके सामने है। बहुत ज़्यादा लोग सामने आए, बहुत डिफ़िकल्टीज हुई, बहुत अच्छे मोमेंट्स हुए, बहुत इमोशनल मोमेंट्स हुए क्योंकि ये अपने आप में एक यूनिक ख्याल है। सोचने से लोग डरते हैं लेकिन क्योंकि हम सीधा कूद पड़े क्योंकि मेरी आदत है मैं बिल्कुल कूद पड़ती हूँ, देखेंगे क्या होगा बाद में, उसी तरह इसको भी किया। और सबसे पहले मैंने डेजी को बताया ये बाहर इंडस्ट्री में वीडियो डालने के बाद कोई इंसान था वो डेजी थी जिसको मैंने फ़ौरन बताया डेजी मैं ये कर रही हूँ। एंड देन उसका जो रिस्पांस आया ना उसने मुझे बहुत हिम्मत दी बिकॉज हमने साथ में एक लाइफ देखी है, साथ में एक तरह से बने हैं बड़े सी ना डेकेड टुगेदर। सो जब हिम्मत यहाँ से एंड शी रिएक्टेड सो पॉजिटिवली तब मेरी हिम्मत ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि यू नो शी इज़ आउट देयर, शी अचीव सच अ नेम फॉर हरसेल्फ, उसने अपने आप को ये मुकाम तक लाया, शी इज़ सच अ स्ट्रॉन्ग लेडी। जब ये मुझे हिम्मत देती है ना तो मुझे लगता है कि यस अब कुछ सही है। और मैं ज़्यादा लोगों की हिम्मत मतलब मदद चाहती नहीं थी, मैं चाहती थी कि अकेले करूँ अकेले करूँ। 2 महीने हो गए हमारे पास 380 प्लस डांसर्स आ गए, तब मैंने देने एक कॉल था रेजी आई वॉन्ट यू बिकॉज आई नो दैट शी विल अंडरस्टैंड, आई नो दैट इमोशनल लेवल, आई नो द जर्नी, आई नो द काइंड ऑफ पर्सन शी इज़, आई नो दैट यही एक लड़की है जो मुझे समझेगी और मुझे बोलेगी ये सही है या गलत है, मुँह पे बोल देगी। एंड शी गेव मी दैट करेज यू नो। एंड देन वी थॉट कि अभी हमने जब सोचा कि ये लोगों तक लाया जाए क्योंकि काफ़ी टैलेंट आ गया हमारे पास, अब उसको नेक्स्ट लेवल ले जाने की ज़रूरत है, तो लगा कि अब लोगों तक पहुँचा देते हैं क्योंकि हमने कर लिया, अब सिर्फ हमारे ऑडिशन राउंड सेमीफाइनल फाइनल अब ये बचा है। आई जस्ट लाइक टू ऐड समथिंग देयर। जब शबीना ने मुझे अप्रोच किया, आई मीन दिस इज समथिंग दैट आई नो दैट यू नो शी नेवर केम टू मी के नहीं तो यू आर एन एक्टर दैट्स व्हाई आई वांट यू टू बी ऑन बोर्ड। इट इज़ बिकॉज शी न्यू दैट यू नो शी इज़ अ फ्रेंड फर्स्ट एंड एन एक्टर बाद में। एक्टर इज़ अ एडेड बोनस काइंड ऑफ अ थिंग बट बिकॉज देर आर लॉट ऑफ इमोशंस अटैच टू दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। बहुत चीज़ें हैं ये शो के अंदर जो हमारे लाइफ से बहुत रिलेट करती है। सो इट इज़ नॉट जस्ट समथिंग यू नो कि ओके बनाना है बना दिया, नहीं ये एक इमोशनल जर्नी है जो कि बहुत ही ज़्यादा करीब है हम दोनों से। बिल्कुल।
पूरी तरह से जहाँ जब भी बोले वो ये पार्ट होगी. अब ये इस जर्नी का हिस्सा है. शी कैन नॉट गो एनी वेयर. शी इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी एंड आई एम रियली ग्लैड दैट शी इज़ देयर. वुमेन पावर में मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ. और अगर पॉजिटिव लोग मिल जाए तो मुझे लगता है कि यह पॉजिटिव एनर्जी आपको कितनी भी बड़ी मुश्किलात से आगे निकाल देती है. तो यू नो शी इज़ गोइंग टू बी पार्ट ऑफ माई दिस जर्नी. वो किस तरह होगी कैसे होगी वो हम बात करेंगे डिसाइड करें. बट शी इज़ देयर एवरी स्टेप. आई एम नॉट गोइंग टू लेट हर गो. पहले से शुरू करूँ क्या? सीरियसली शॉर्ट में बता देती हूँ कि जब मैं डांसर थी शबीना असिस्टेंट थी और गणेश आचार्य जो है उनकी असिस्टेंट थी. मैं उनके ग्रुप में डांसर थी तो मुझे डांस का मतलब पता था पर डांस को फिनेस देने का जो काम किया है वो इन्होंने किया है. और बहुत गालियाँ पड़ी है, बहुत डांट भी पड़ी है, बहुत मार भी पड़ी है. तो वो टाइम पे ऐसे लगता था यार क्या प्रॉब्लम क्या है, मैंने बिगाड़ा क्या है इनका. जब देखो तभी डांटते रहते हैं. बट यू नो व्हेन यू टुडे व्हेन यू हैव टू लुक एट दोज थिंग्स यू नो दैट यू नो अगर तुमको वो अगर वो छड़ी ना पड़ी होती ना तो तुम कहीं पहुँच ही नहीं पाते. सो यू नो समटाइम्स वी फील के हमको ऐसे लगता है कि यार हमने बिगाड़ा क्या है किसी का, इतना ज़्यादा क्यों ये बंदा मेरे पीछे पड़ा हुआ है. बट यू डोंट नो दैट इट इज़ आउट ऑफ लव, इट इज़ नॉट आउट ऑफ हेट और जेलसी और एनी सच थिंग्स. हमारी लाइफ पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा रिलेट करती है. हमारे पास एक टैलेंट था, किसी ने उसे रिकग्नाइज़ किया, हमें हमारी तरफ हाथ बढ़ाया और हमें एक मुकाम तक लेकर आए. आज हम अगर वो मुकाम तक पहुँचे तो जो हमारे साथ हुआ, जो अच्छा हमारे साथ हुआ वो अच्छा हम किसी और के लिए करना चाहते हैं ताकि उनकी भी ज़िंदगी संवर जाए. बिल्कुल मैं भी सेम कहना चाहती हूँ कि हाथ बढ़ाने का मतलब ये था कि कोई टैलेंट अधूरा ना रह जाए, किसी घर के सपने अधूरे ना रह जाए. हमने अपनी फैमिली को सपोर्ट करके अपनी फैमिली को यहाँ तक ले आए. आई वॉन्ट कि एवरी टैलेंटेड पर्सन जो घर के अंदर है छुपा हुआ वो भी अपनी फैमिली को सपोर्ट करे. मैं तो यहाँ हमारी इस जर्नी में हमने फैमिलीज़ को भी समझाया है कि फैमिली सेइंग कि नहीं डांस कुछ नहीं होता डांसर. हमने जाके उनको समझाया कि नहीं, मैंने अपनी कहानियाँ बताई है लोगों को कि देखो मैं बनी हूँ, आपका बच्चा भी बनेगा, बनने दो. तो अगर टैलेंट आपके पास है तो हमें उन तक पहुँचना है. और मैं चाहती हूँ कि आपके ये जो भी लोग देख रहे हैं अगर आपके आसपास इलाके में या आसपास कहीं भी जहाँ हम नहीं पहुँच पाए आपके पास आज भी टैलेंट है प्लीज़ हमें DM करिए, हमें बताइए, मेरी टीम वहाँ तक पहुँचेगी. क्योंकि हम कोई भी कॉर्नर कोई भी नुक्कड़ कोई भी गली मोहल्ला छोड़ना नहीं चाहते हैं. सब टैलेंट को वेलकम है. आपके पास सिर्फ टैलेंट और जुनून होना चाहिए, बाकी काम हम करेंगे. मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों को देख के कोरोना के बाद ना. शबीना मैम के इस इनिशिएटिव रियलिटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आपको कितना पसंद आया ये इनिशिएटिव? बहुत, मतलब मैं जितनी भी तारीफ करूं कम है. उन्होंने बहुत ही एक अच्छा और बहुत नेक काम कर रही हैं शबीना जी. जैसा मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि आजकल कोई किसी अपने के लिए उतना नहीं करता जितना वो बेगानों के लिए कर रही हैं. और वो लोग जो कि मतलब उनको कुछ भी नहीं लेना है शबीना जी को, उनको वो पे भी नहीं कर सकते उनको. नहीं तो आदमी कभी भी कोई भी काम करता ना वो सोचता मुझे यहाँ से क्या मिलने वाला है, क्या मुझे पैसे का फ़ायदा या मुझे किसी दूसरी चीज़ का फ़ायदा. यहाँ तो वो दूसरों को फ़ायदा देने की कोशिश कर रही हैं और वो भी घर घर जाके ऐसे लोगों को ढूँढ रही हैं जिन जो टैलेंटेड हैं, जो डांस करना जिनकी हॉबी है, ख्वाहिश है, और उनकी वो ख्वाहिश शायद दब के रह जाती और वो उन्हीं चक्करों में मतलब पड़े रहते, रोटी कपड़ा और मकान के चक्कर में ही रह जाते हैं कई लोग और अपनी ख्वाहिश को पूरा ही नहीं कर पाते कभी. लेकिन ये उनकी
उसको मैं बोलूँगी उन ख्वाहिशों को उड़ान दे रही हैं और उनको एक अच्छा मंच दे रही हैं अच्छे डांसर्स बनने का, अच्छे कोरियोग्राफ। शायद कल को वही डांसर्स जिनको शबीना जी सिखा रही हैं हम लोगों के साथ डांस कर रहे होंगे, अच्छे अच्छे बड़े बड़े एक्टर्स को वो कोरियोग्राफ कर रहे होंगे। कितनी बढ़िया बात है कि वहाँ से, क्योंकि मैंने भी जब स्टार्ट किया था, मैं होशियारपुर एक छोटी सी जगह से बिलोंग करती हूँ और हम अच्छी फैमिली से थे, मतलब मेरे फादर का अच्छा बिजनेस था सब, लेकिन सिख फैमिली में बहुत ही कम लड़कियों को यहाँ पहुँचने का मौका मिलता है। तो मैं कभी कभी सोचती थी कि मेरे को इतनी ख्वाहिश है फिल्मों में काम करने की, और मैं मतलब मैं अच्छा काम भी करती थी, मैं बचपन से ही मतलब प्लेज़ वगैरह में काम करती थी। मैं कभी पहुंच पाऊंगी बॉम्बे या नहीं पहुंच पाऊंगी, वो तो मेरी मदर और मेरी सिस्टर ने इतना साथ दिया कि मैं यहाँ तक आई। तो वो काम जो है अब शबीना जी उन लोगों के लिए कर रही हैं, मतलब ये कितनी अच्छी बात है, वो तो जानती भी नहीं उन लोगों को, तो बहुत बहुत बड़ी बात है। और मैं उसी को अप्रिशिएट करने के लिए यहाँ आई हूँ, जबकि मैं आज नायगांव में थी तो मुझे बहुत मतलब भागते हुए ही आना पड़ा। लेकिन डेफिनेटली ऐसा जो भी कोई काम करे, मुझे लगता है कि पूरी इंडस्ट्री को उसके साथ स्टैंड करना चाहिए। मैम, आज आप सपोर्ट करने आई हैं शबीना मैम को, आगे किस तरीके का सपोर्ट आप देंगी शबीना मैम को? लाइक वो घर घर जा रही, तो क्या आप भी उनके साथ जाके? हाँ, अगर उनको मेरी ज़रूरत, मैंने तो कहा उनको कि कभी भी उनको मेरी ज़रूरत महसूस हो, उनको लगे कि यहाँ उपासना तुम चलो, तो मैं कभी उनको ना नहीं बोलूँगी। मतलब मैं खुद चाहती हूँ कि वो बच्चे जो डिज़र्व करते हैं और यहाँ इस मंच तक नहीं पहुँच पाते हैं, मैं चाहती हूँ कि वो लोग आगे आएँ, मेरी दिली ख्वाहिश है। और उसके लिए चाहे मुझे कितना भी अपना काम छोड़ के इनके साथ जाना पड़े, मैं डेफिनेटली इनका साथ दूँगी। मैम, आपके बेटे आए हैं, उनके उन्हें भी इंट्रोड्यूस करवाइए, आप उनकी भी फिल्म आ रही है। अरे, प्लीज इंट्रोड्यूस कराइए। ये फर्स्ट टाइम है कि मैं नानक को अपने साथ लेकर आई हूँ। नानक, यहाँ आओ, पहले तो नमस्ते करो सब। नमस्ते, मेरा नाम नानक है। हाँ, तो नानक को मैं फर्स्ट टाइम किसी फिल्मी पार्टी में लेके आई हूँ। आज तक सब लोगों को, कई लोग तो मुझे पूछते थे अरे आपकी शादी हो गई, क्योंकि लोगों में मेरा ऐसा एक कैरेक्टर बना हुआ है कि इसकी शादी नहीं हुई है, और इसको मतलब लोगों के मन में बसा हुआ है ये बात। तो मैं बता दूँ कि मेरी शादी हो चुकी है और ये मेरे बेटे हैं नानक। और अब ये हीरो आ रहे हैं, एक फिल्म है यारां दियां पौं बारां जो मैंने डायरेक्ट की है, पंजाबी फिल्म। और नानक ने अभी, मैं क्या कहूँ, बहुत बढ़िया काम किया है उसमें, वो तो फिर ऑडियंस बताएगी कि कैसा लगता है उनको नानक। नानक, मम्मी को एज अ डायरेक्टर कितना पसंद है? जी, सबसे पहली बात, ये बात आप भी नोट कीजिए और ऑडियंस के लिए भी है, मैं 20 हूँ पर मेरी मॉम अभी भी 22 है और 22 ही रहेंगी कल भी। थैंक यू नानक। हाँ, तो ये चेंज नहीं होता है। जी, आपने जो मेरे को पूछा, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि है तो मेरी मॉम, पर जब हम सेट पे जाते थे तो वहाँ पे मॉम शब्द मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करता था, ना ही उस दिन होटल रूम में सुबह या वापस आने के टाइम, वो मॉम से मैम हो जाता था कहीं भी हो, क्योंकि अगर वहाँ पे मॉम निकलता था तो बहुत ज़ोर से पीछे से पड़ती थी, इसलिए हम मॉम मैं मॉम नहीं बुला सकता था, मेरे को मैम बुलाना पड़ता था, क्योंकि वो एक रिस्पेक्ट होती है एक डायरेक्टर की, चेयर की रिस्पेक्ट होती है। और हम लोग मतलब बहुत कुछ सीखने मिलता है एज अ डायरेक्टर एंड व्हेन शी इज़ टीचिंग मी ऑल्सो, तो मतलब हम उसको उस नज़र से देखते हैं। नहीं, क्या है कि मैंने इसको नानक को बोला कि तुम ये, क्योंकि इसके साथ और भी कई न्यू कमर्स थे उसमें, तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं सिर्फ नानक की तरफ ही ध्यान दूँ, मैं चाहती थी, क्योंकि मैं एज ए डायरेक्टर वहाँ पे थी, और मैं चाहती थी कि हर एक्टर जो भी मेरी फिल्म में जो नई लड़की भी काम कर रही है या इसके साथ जो स्टूडेंट्स भी काम कर रहे हैं, उनको एक जैसा मैं चाहती थी कि वो बहुत अच्छा काम करें। और मैंने उनको एक एक पॉज, एक एक डायलॉग किस तरह से बोलना है, वो मैंने उनको एक एक को सिखाया। तो मैंने नानक को बोला कि तुम कभी भी उनको ये रियलाइज़ मत होने देना या ऐसा मत फील कराना कि ये उपासना सिंह का बेटा है तो इसको ज़्यादा केयर मिल रही है या इसको ज़्यादा, मतलब मैं नहीं चाहती ये बात, क्योंकि जब ये नानक मेरे अलावा बाहर के डायरेक्टर्स के साथ काम करेगा तो वहाँ नानक के लिए वो डायरेक्टर होंगे और वहाँ पे उसके पेरेंट्स नहीं खड़े होंगे ना, तो मैं इसको पहले से ही वो एक एटमॉस्फेयर देना चाहती हूँ कि
डायरेक्टर जो है वो कैप्टन ऑफ द शिप होता है और डायरेक्टर की उतनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और क्योंकि नानक मेरे साथ बचपन से ही रहा है तो मैं इसको बहुत ही इन चीज़ों में जब जहाँ पे करियर का सवाल है मैं बहुत प्यार करती हूँ इसे, लेकिन जहाँ प्रोफेशन आ जाता है मुझे लगता है कि वहाँ डिसिप्लिन हमारी लाइन में बहुत ज़रूरी है। और ये वैसे बहुत लेट उठता था पहले, 10-11 बजे उठता था और वहाँ मैं उसको 4 बजे उठाती थी तो मुझे बोलता है मुझे नहीं लगता कि आप अब मेरी मम्मी हैं, मुझे लगता ही नहीं है आप मेरी मम्मी हैं, आप तो बिल्कुल चेंज हो गई हैं। तो मैंने तो इसलिए इसको मैंने वहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ सारे यंगस्टर्स थे और आप तो जानती हैं यंग बच्चे जब एक साथ मिल जाते हैं तो फिर डिसिप्लिन विसिप्लिन सब भूल जाते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा स्ट्रिक्ट इसलिए रहना पड़ा क्योंकि मैं चाहती थी कि हर कोई बहुत ही अपने काम को परफेक्शन के साथ करे। सो खैर मारा नहीं है मैंने इसको कभी, झूठ बोलता है पीछे से पढ़ती थी। नानक आपकी जर्नी कैसी रही है इस पूरे थ्रू आउट शूटिंग पीरियड में, क्या कुछ आपने सीखा? सबसे पहली चीज़ तो मैंने डिसिप्लिन सीखी बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा पंक्चुअल हो चुका हूँ अभी। और मतलब जब फर्स्ट टाइम इंसान काम करता है कैमरा के सामने, कैमरा का डर होता है, यू फेस इट फॉर द फर्स्ट टाइम, और उस टाइम आपकी जो हार्ट बीट होती है वो इंटेंस हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मैंने इनफैक्ट कैमरा, मतलब कैमरा को कैसे फेस करना है, उसको कैसे अपना दोस्त बनाना है, मैंने वो सबसे पहली चीज़ वो सीखी। और मैंने मतलब मैं जिनके साथ काम भी कर रहा था बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग थे, पर उन्होंने कभी भी मेरे को ऐसे फील नहीं होने दिया कि लाइक मेरे को काम नहीं आता है और उनको ज़्यादा आता है। उन्होंने मेरे को हर बार हर मोमेंट पे सिखाया। जसविंदर वल्ला सर से थे, शिवेंदर सर से, वहाँ पे पंजाब में उनका मतलब बहुत ज़्यादा काम किया उन्होंने और मैं उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ। तो मेरा फर्स्ट टाइम था और ऐसे कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है जो मैंने सीखी, मैंने बहुत कुछ सीखा ऑन सेट। और मैम तो थे ही उधर, देखो मैं अभी भी मैम बुला रहा हूँ, इनसे मैं बहुत कुछ सीखा है। अभी मम्मी बोल सकते हो, अभी मैं डायरेक्टर नहीं हूँ। डायरेक्टर जर्नी कैसे आपको, एक्टर तो हमने, आप तो अमेजिंग एक्टर है, सभी आपको बहुत प्यार देते हैं, डायरेक्टर आप डायरेक्टर बन चुके हैं अभी तो, डायरेक्टर की जर्नी आपकी कैसे? देखिए बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि आपको हर चीज़ आपको देखनी है, म्यूज़िक के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको स्क्रिप्ट की नॉलेज होनी चाहिए, आपको एक्टर्स के बारे में सब पता होना चाहिए, आप क्योंकि आप एक पूरे का पूरा सब कुछ लेके एक साथ चल रही हैं। जब हमें एक्टर होते हैं तो हमें सिर्फ अपना ही काम करना होता है कि मुझे एक कैरेक्टर मिला है और मुझे वो परफॉर्म अच्छे से करना है, बस इतना। इसमें आपको देखना पड़ता है कि जितने भी एक्टर्स हैं फिल्म में वो सब अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं। फिर उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन पे आ जाइए, वो भी सब आपको डिसाइड करना पड़ता है, DI आपको देखना पड़ता है, आपको एडिटिंग में भी बैठना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि अब मैं ये रियलाइज़ करती हूँ ये फिल्म बनाने के बाद कि कितना ज़्यादा पेन लेना पड़ता है एक डायरेक्टर को, जैसे एक मदर को डिलीवर करने के लिए चाइल्ड को पेन लेना पड़ता है, ये उसी तरह का एक पेन है। और आप हर टाइम स्ट्रेस में हैं, आपको हर टाइम लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं, सब कुछ ठीक, और वो सब होने के बाद फिर आप एक प्रोडक्ट देखते हैं और फिर आप रियलाइज़ करते हैं कि क्या। और ये मेरी फ़र्स्ट फिल्म थी, लेकिन मैं बहुत अपने आप को ब्लेस्ड मानती हूँ। एक तो मैंने मतलब इंडस्ट्री के तकरीबन सब टॉप मोस्ट डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया है, तो वो सब चीज़ें मैंने बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखी हैं। तो मेरी फिल्म मैं यही कहना चाहूँ, मैं ऐसा नहीं कहती कि मैं बहुत कोई ग्रेट डायरेक्टर हूँ, मैं बिल्कुल नहीं हूँ, ऐसा नहीं, लेकिन मेरी फिल्म एक बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म बनी है, बहुत मज़ेदार, मतलब मेरे को इतना पता है कि लोग उसमें बहुत हंसेंगे। मैंने एक कॉमेडी फिल्म बनाई है और बच्चों की लव स्टोरी है और उसमें हम लोगों की कॉमेडी है काफ़ी ना, तो गाने बहुत अमेजिंग है। तो मेरे हिसाब से मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, और मैंने पंजाबी फिल्में तकरीबन 35 से 40 फिल्में तो मैं खुद भी कर चुकी हूँ, तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही मज़ेदार फिल्म रहेगी। लेकिन हाँ, मैं ऐसा नहीं कि मैं बहुत सारी फिल्में डायरेक्ट करना चाहती हूँ, वो मैं इसलिए कर रही थी क्योंकि मुझे लगा कि नानक मेरे साथ ज़्यादा कम्फर्टेबल महसूस करेगा और मैं इसका जितना ये टैलेंटेड है वो सारा टैलेंट मैं निकाल सकती हूँ, मैं दिखा सकती हूँ कि वो कैसा डांसर है, मैं दिखा सकती हूँ ये फाइट में बहुत अच्छा है,
जब फाइट थम, मतलब एज ए मदर मुझे बहुत डर लगता था जब ये जंप मारता है या कुछ करता है, तो मैंने वो सब डुप्लीकेट्स होते हैं आपको तो पता ही है फाइट मास्टर के साथ सब, तो वो तो इसने एक भी शॉट उसको नहीं लेने दिया, मतलब सारे शॉट्स ये करता है, सारे स्टंट्स ये करता है, तो मुझे ये पक्का पता था कि मैं जब करूँगी डायरेक्ट तो डेफिनेटली मैं नानक को ज़्यादा जो इसके अंदर छुपा हुआ है वो दिखा सकती हूँ। बाकी मैं हर फिल्म उसकी डायरेक्ट नहीं करना चाहती। अभी ये एक और फिल्म कर रहा है समीप कांग, उसके डायरेक्टर हैं, उन्होंने काफ़ी काफ़ी बड़े डायरेक्टर हैं पंजाब के, तो उनके साथ ये एक फिल्म कर रहा है बाई जी कुट्टन के, और अब ये काम करता रहेगा। मैं अपने काम में बहुत खुश हूँ, इतना बहुत काम करना पड़ता है एज ए डायरेक्टर, बहुत आपको बहुत पेन लेना पड़ता है। सारा कार्ड ही खत्म कर दिया आपने मेरी इंट्री।